बहराइच, गोवध में कार्रवाई न करने पर लाइन हाजिर हुए चौकी इंचार्ज, गोवंश की पिटाई से मौत मामले में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न करने और आरोपियों को बचाने के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक ने जरवल चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। 10 दिन पूर्व जरवल चौकी क्षेत्र के एक युवक ने गोवंश को भाला मारकर घायल कर दिया था। पुलिस ने मवेशी के शरीर से भाला निकलवा कर इलाज शुरू करवाया, लेकिन 3 दिन बाद ही इलाज के दौरान घायल गौवंश की मौत हो गई थी। कप्तान से मिलकर लोगों ने गौवंशीय मवेशी के मौत मामले में जरवल चौकी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोपी को बचाने के लिए आरोप लगाया था। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रवक्ता पुत्तीलाल यादव ने ग्रामीणों के साथ पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा से मिलकर जरवल पुलिस चौकी इंचार्ज RS यादव की भूमिका पर सवाल उठाते हुए गोवंशीय मवेशी के हत्या के आरोपी को बचाने का आरोप लगाया था। ग्रामीणों ने आगापुर पट्टी तहा के नियाज पुत्र मुर्शिद पर मांस बेचने के उद्देश्य से गोवंशीय मवेशी को भाला मारकर घायल कर देने का आरोप लगाया था। पेट में भाला लगने से घायल गोवंश इधर उधर तड़पता रहा। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची जरवल चौकी पुलिस ने गोवंश के शरीर से भाला निकलवा कर इलाज करवाया, लेकिन इलाज के दौरान ही मवेशी की मौत हो गई थी। ग्रामीणों की कार्रवाई की मांग पर पुलिस ने पशु चिकित्सक से डॉक्टरी करवा कर ग्रामीणों को कार्रवाई का भरोसा देकर गोवंश के शव को दफना दिया था। 10 दिन बाद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर और नामजद आरोपी को बचाने के आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक से मिलकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने जरवल चौकी इंचार्ज RS यादव को दोषी मानते हुए लाइन हाजिर कर दिया है।